हेलो फ्रेंड्स, टेक यूट्यूबर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जैसे गूगल पे में आप बैंक ऐड करना चाहते हैं जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, तो आसानी से कर सकेंगे जो नया प्रोसेस आया है। इसके लिए फ्रेंड आपको क्या करना पड़ेगा, अपने गूगल पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। जो देख सकते हैं फ्रेंड, हमारा इधर डाउनलोड हो चुका है। और आपको डाउनलोड नहीं करने का तरीका नहीं पता है तो आप प्ले स्टोर में जाके गूगल पे डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे गूगल पे डाउनलोड करेंगे, इसके एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे, उसके ऊपर से यहाँ से देख सकते हैं आपका नंबर शो करेगा या अपना नंबर इंटर कर लीजिएगा। जैसे देख सकते हैं हम नंबर इंटर कर चुके हैं। नंबर इंटर करने के बाद नीचे आपको देख सकते हैं यहां से आपको शो करेगा कंटिन्यू का। इस कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके ऊपर से ऊपर में आपका ईमेल आईडी शो करेगा और आपका नंबर इस तरह से शो करेगा। उसके ऊपर से फ्रेंड यहां से देख सकते कंटिन्यू का ऑप्शन है। इस कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका फोन लोडिंग लेगा और आपका जो नंबर से वेरीफाइड होगा गूगल अकाउंट। उसके ऊपर से जैसे ही वेरीफाइड हो जाएगा, उसके ऊपर से आसानी से इस एप्लीकेशन में वेरीफाइड हो जाएंगे। जो देख सकते हैं हमारा लोडिंग है। वेरीफाइड होने के बाद स्विच ओटीपी का ऑप्शन आ चुका है। उसके ऊपर से हमारे नंबर पर ओटीपी आएगी, जो हमारा देख सकते हैं यहां से हमारा रजिस्टर नंबर है। इस रजिस्टर नंबर पर ओटीपी आएगी, तो आपको ओटीपी आने से पहले आपको वेट करना है। जो देख सकते हैं यहाँ से हमारा ओटीपी वेरीफाइड हो चुका है। जैसे ही वेरीफाइड होगा, उसके ऊपर से आपका जो होता है कम्प्लीटली यहाँ से वेरीफाइड ओटिफिकेशन हो जाएगा कम्प्लीट। उसके ऊपर से देख सकते हैं टीपी जो होता है ऑप्शन आ जाएगा मैसेज का। इस तरह से अपना अकाउंट ओपन हो जाएगा आपका। जैसे आपका यहाँ से अकाउंट ओपन हो जाएगा, तो आप अपने प्रोफाइल पर जो डीपी लगाए रहेंगे, जो देख सकते हैं यहाँ से शो कर देगा, जैसे जीमेल आईडी का। और जैसे पहले से अकाउंट बना रहेगा तो नीचे शो कर देगा, और आपका अकाउंट नहीं बना रहेगा तो इस तरह से पूपल्स में आपको शो करेगा। और यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड आपका यहाँ से एड बैंक का अकाउंट है। इस एड बैंक अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन लोडिंग लेगा। उसके ऊपर से जो बैंक लिंक करना चाहते हैं यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। या देख सकते हैं यहाँ से आईपीबी का ऑप्शन है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो यहाँ से देख सकते हैं हमारा ये है, तो हम इसको आपको सेलेक्ट करके दिखाएंगे। जैसे देख सकते हैं यहाँ से ऑप्शन आएगा, जो लोबो इस तरह सर्च करता है तो जैसे आपका डाटा स्पीड देगा तो तुरंत इस तरह से लोबो शो करेगा। जैसे देख सकते हैं हमारा ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे इस तरह सेलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर से आपको यहां से नंबर वेरीफाइड करने का ऑप्शन आएगा। जो देख सकते हैं यहां से यूपीआई एसएमएस द्वारा आपको नंबर वेरीफाइड होगा, उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके फोन से इस तरह से वेरिफिकेशन होने के बाद आपको अलाउ कर देना है। जैसे ही अलाउ कर देंगे, उसके ऊपर से यहाँ से देख सकते हैं फिर से एसएमएस जाएगा, जो देख सकते हैं सेंडिंग का एसएमएस है। जैसे ही एसएमएस जाएगा, आपको वेट करना पड़ेगा। उसके ऊपर से फिर आपका यहाँ से चार्ज कटेगा, इसको सेव कर देना है। जैसे ही सेव करेंगे जैसे दो बार क्लिक करेंगे, उसके ऊपर से आपका फ़ोन से जो होता है मैसेज कंप्लीट वेरीफाइड हो जाएगा। और देख सकते हैं बैंक लिंक हो चुका है। जैसे ही बैंक लिंक होगा, उसके ऊपर से यहाँ से ऊपर में देख रहा है, जो देख सकते हैं हमारा ऑटोमेटिक आ चुका है। उसके ऊपर से गेट स्टार्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे गेट स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं इंटर योर डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आता है। तो जैसे फिर आपका इसका एटीएम कार्ड आपको देखना चाहते हैं वर्चुअल वाला, इस एप्लीकेशन से होम पर इस तरह से कर लेना है। जैसे ही होम पर आ जाएंगे तो यहाँ से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। जैसे इस तरह से जैसे ओपन होंगे तो यहाँ से आप अपना पिन इंटर करिएगा, आप अपना पिन इंटर कर लीजिएगा। जैसे ही पिन इंटर करेंगे, उसके ऊपर से आपका फ़ोन लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद इसी तरह से केवाईसी के लिए आ जाएगा, तो इसको कट कर दीजिएगा। कट करने के बाद यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ से देख सकते हैं डेबिट कार्ड का ऑप्शन है। इस डेबिट कार्ड के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। डेबिट कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं व्यू डिटेल का ऑप्शन है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो पिन रहेगा, अपना जो लॉक लगाए होंगे, वही पिन इंटर करिए, इससे आपको लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपका एटीएम कार्ड का जो पूरा कोड दे देगा, नंबर दे देगा और यहाँ से एक्सपायरी डेट देगा। जो देख सकते हैं हमारा एटीएम कार्ड का नंबर आ चुका है और एक्सपायरी डेट, तो हम यही अपना कोड इंटर करेंगे। पीछे हम अपना इंटर कर चुके हैं। इंटर करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट का ऑप्शन है। जैसे ही नेक्स्ट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं क्रिएट यूपी पिन का ऑप्शन है। जैसे क्रिएट पिन पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन से इस तरह से फ़ोन लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद यहां से गेटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर यूपीआई का ऑप्शन आ जाएगा, सर्च कर लेगा आपका फ़ोन, तो आपको वेट करना है। उसके ऊपर से आपको यहां से दे देगा, जो देख सकते हैं बैंक द्वारा ओटीपी आएगी। जो बैंक द्वारा ओटीपी आपको यहाँ से मैसेज द्वारा आएगा तो आपको वेट करना पड़ेगा। जो देख सकते हैं यहाँ से हमारे बैंक द्वारा ओटीपी आ रही है, तो आपको वेट करना है। देख सकते हैं हमारे बैंक द्वारा ओटीपी आ चुकी है। उसके ऊपर से यहाँ से आपको डन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही डन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो छः अंक का अपना यूपीआई पिन बना लीजिएगा। जैसे देख सकते हैं हम अपना यूपीआई पिन इंटर कर रहे हैं। जैसे ही अपना यूपीआई पिन इंटर कर लीजिएगा,
उसके ऊपर से ऊपर में इस तरह से डन का ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ जस्ट इस तरह से केयरफुली सक्सेसफुल सेट हो जाएगा। जो देख सकते हैं इस तरह से हमारा मैसेज भी आ चुका है कि जो हमारा UPI पिन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से हमारा लिंक हो चुका है गूगल पे। तो इस तरह से फिर आप अपना गूगल पे अकाउंट इस तरह से आप अपना UPI पिन बनाना चाहते हैं आसानी से बना सकते हैं। जो देख सकते हैं यहाँ से हमारा बन चुका है और विद प्रूफ के साथ दिखा दें हम अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगे तो यहाँ से जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद हम अपना UPI पिन जैसे इंटर करेंगे तो हमारे खाते में कितना रुपया है इस तरह से लोडिंग लेगा फोन। उसके ऊपर से हमारे खाते में इस तरह से लोड लेने के बाद हमारा देख से शो कर दिया देख सर 70 रुपया है। इस तरह से आप अपना गूगल पे में आप अपना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अपना ऐड करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकेंगे। तो फ्रेंड ये तरीका कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर